नमस्कार, आपका स्वागत है। घर में किस स्थान पर जूते और चप्पल भूल से भी ना रखें, यह वास्तु दोष का निर्माण करते हैं और घर की दरिद्रता का कारण बनते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर हर एक वस्तु का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है, क्योंकि हर एक वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। हर एक वस्तु एक विशिष्ट प्रकार का वाइब्रेशन का निर्माण करती है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले ही बता दिया था। शास्त्रों के अनुसार अगर घर के अंदर इन वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान पे न रखा जाए तो वह नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। खासकर ध्यान रहे, जिन वस्तुओं का संबंध पंच तत्व से है, उन्हें तो भूल से भी गलत जगह पे ना रखें। यह सबसे अधिक नकारात्मकता फैलाती है, जैसे कि जल, अग्नि और वायु से जुड़ी चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जूते और चप्पल रखने की सही दिशा वास्तु के अनुसार। जूते और चप्पल के लिए एक दिशा निर्धारित की गई है, क्योंकि घर के अंदर सबसे अधिक नकारात्मकता ऊर्जा जूते और चप्पल ही फैलाते हैं, क्योंकि इन चीजों को हम पैरों में पहनते हैं और कई जगह पर घूम कर आते हैं, इसलिए इन्हें रखने के लिए खास ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग अपने जूते चप्पल घर की दहलीज पर ही उतार देते हैं, तो वहीं कुछ लोग घर के अंदर तक जूते चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना अनुचित है। यह घर में कलेश निर्माण कर सकता है और घर से देवी देवता चले जाते हैं। चलिए जान लेते हैं जूते चप्पल से जुड़े वास्तु टिप्स। पहली बात, बिखरे हुए जूते चप्पल वास्तु के अनुसार। जिन लोगों के घरों में जूते इधर उधर बिखरे रहते हैं, वहां पर शनि की प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनि को पैरों का कारण माना जाता है, इसलिए पैरों में पहनी जाने वाली चीज सही ढंग से रखनी चाहिए। शनि अनुशासन प्रिय देवता हैं, अतः घर में जूते और चप्पल सही स्थान पर यथाक्रम में रखना चाहिए, इन्हें इधर उधर ना फेंके। दूसरी बात, घर के बाहर अव्यवस्थित तरीके से पड़े जूते चप्पल नकारात्मकता ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, साथ ही उल्टे पड़े जूते चप्पल व्यक्ति के लिए अशुभ समाचार लाते हैं। चप्पल जमा करके एक कोने में रखना चाहिए। तीसरी बात, पुराने जूते चप्पल, अगर घर में पुराने जूते चप्पल है तो उन्हें तुरंत ही घर से दूर फेंक दे, उन्हें जमा करके घर के अंदर ना रखें। अगर पुराने जूते चप्पल ठीक अवस्था में है और उनका उपयोग नहीं किया जाता तो किसी गरीब को दान में दे, इससे शनि देव की कृपा बनी रहती है। पुराने जूते चप्पल घर पर रखने से घर में नकारात्मकता फैलती है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की बात की, जूते की अलमारी रसोई घर या पूजा घर की दीवार से सटाकर ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना गया है। घर के पूर्व उत्तर ईशान याग्निकों में जूते की अलमारी कभी ना बनाएं, इससे घर के सदस्य में क्लेश बढ़ता है और कार्यों में सफलता नहीं मिलती। जूते की अलमारी के लिए वायुव्य यानी उत्तर पश्चिम दिशा, वह नित्य यानी दक्षिण पश्चिम दिशा सही जगह मानी गई है। अब बात कर लेते हैं पांचवें नंबर की, चमड़े के जूते देवी देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्य को चमड़े से बने जूते पहनने नहीं चाहिए। यह पशुओं के प्राण लेने के पश्चात बनाए जाते हैं और यह पाप माना गया है, इसलिए अगर कोई नियमित
पूजा करता है तो चमड़े से बने जूते ना पहने। अब छठवें नंबर की बात कर लेते हैं तो काले रंग के जूते किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय काले रंग के जूते पहनकर जाना शुभ माना गया है। इससे शनि देव की कृपा होती है और कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही काले रंग के जूते दान करना अत्यंत लाभदायक होता है। इससे रुके हुए कार्य भी बन जाते हैं। अब सातवें नंबर की बात कर लेते हैं। बेड के नीचे जूते नहीं रखना चाहिए। बेड के नीचे जूते इकट्ठा करके ना रखें। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। बीमार व्यक्ति के बेड के नीचे जूते रखना भी अनुचित माना गया है। अब बात कर लेते हैं आठवें नंबर की बात की तो मुख्य दरवाजे के सामने न रखें। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि जल्दबाजी में घर के मुख्य द्वार के सामने ही जूते चप्पल छोड़ देते हैं। ऐसा करना अनुचित है। मुख्य द्वार के सामने रखे जूते आने वाले अवसर को रोकते हैं और साथ ही देवी देवता ऐसे घर में प्रवेश नहीं करते। जूते की अलमारी मुख्य दरवाजे से 2 या 3 फीट की दूरी पर हो। यह भी ध्यान रहे जूते की अलमारी में रखे जूते चप्पल बाहर की ओर से ना दिखते रहे। दोस्तों यह थी वह जूते और चप्पल से जुड़ी महत्वपूर्ण वास्तु शास्त्र टिप्स। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।